हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का क्लास 11 का। ठीक है दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन ये है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, सेम वही जो पहले 5 सेक्शन ए बी सी डी ई, ये है आपसे। बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन है। ठीक है, एम सी क्यूज है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, कॉस 15 माइनस साइन 15। तो कॉस 15 माइनस साइन 15, इसे क्या आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको आप 45 माइनस 30 कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, cos 15 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन, और इधर आप क्या करिए, 45 माइनस 30 इधर भी कर दीजिए, तो आपको इससे सॉल्व करिएगा साइन 15 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, cos a cos b प्लस साइन a साइन, ठीक, माइनस इसमें साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, साइन cos b माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, वैल्यू पर पड़ेगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 का वो 100√3/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। ठीक, माइनस यहाँ का हो जाएगा साइन 45 का 1/√2, कॉस 30 का 100√3/2। ठीक है, माइनस इस ब्रैकेट को हटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या है बाबू, 1/√2, और sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, 1/√3/2 है, ये प्लस का है पूरा और ये माइनस का है। ठीक, तो कैंसिल हो गया दोस्तों पूरा। ठीक है, आपको क्या बचा, 1/√2 माइनस प्लस का 1/√2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों, 2 × 1/√2। ठीक, 2 से 2 चला जाएगा दोस्तों, 1/√3 आपका अच्छा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, देन द रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कमा बी ए कमा सी बी कमा सी डिफाइन ऑन ए इज। ठीक है, तो आपसे पूछा रेंज, रेंज क्या होगा दोस्तों, बी इस तरफ के एलिमेंट सी। ठीक, बी और सी। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 53 फ्राइडे होना चाहिए, 53 फ्राइडे या 53 सैटरडे, या 53 फ्राइडे या 53 सैटरडे। ठीक है, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ईयर में सैटरडे। ठीक, तो देखिए बाबू, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। आप इसको 7 से, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो हमको निकालना है 366 में कितने हफ्ते होंगे। ठीक है, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा हफ्ता आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 × 5 = 35, 1 कैरी, फिर इधर आएगा आपका 7 × 14 प्लस 2 रिमाइंडर आपका हो जाएगा। ठीक, ठीक है, मतलब 52 वीक होगा, 52 वीक, 52 वीक हो जाएगा आपका, और प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन आपका बचेगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज आपका बचेगा। ठीक है, तो 52 वीक में तो क्या होगा, 52 बार फ्राइडे आ जाएगा, 52 बार सैटरडे आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसको अगर 53 होना है तो ये 2 दिन में क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 दिन, वो 2 दिन कैसा होना चाहिए, फ्राइडे और सैटरडे होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 दिन में आपका क्या क्या आ सकता है, सैंपल इसमें अगर हम बनाए तो मंडे ट्यूजडे आ सकता है। ठीक, या ट्यूजडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, ये दो दो दिन एक्स्ट्रा, इसमें क्या क्या रहता है, मंडे ट्यूजडे हो सकता है, ट्यूजडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। ठीक, या सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक, या संडे मंडे आपका हो सकता है। ठीक, तो ये सब पॉसिबिलिटी, तो ये दोस्तों आपका पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन जो है ये हो सकता है। ठीक, आपके फेवरेबल इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, आप फ्राइडे होना चाहिए या तो या सैटरडे होना चाहिए, देखिए फ्राइडे वाला कौन सा ये। ठीक है, या तो ये आ जाए आपका थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, या फ्राइडे सैटरडे आ जाए। ठीक, फ्राइडे सैटरडे आ जाए, या आपका सैटरडे संडे आ जाए। ठीक है, सैटरडे और संडे। ठीक, सो 3 प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, एनी अपॉन एन एस, एनी में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है दोस्तों, 1, 2, 3, और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3/7, ये आपका आंसर हो गया, 3/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पूछ रहा है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ठीक। तो आप इसको जब इन्फिनिटी रखिएगा एक्स की जगह पर, तो इन्फिनिटी आपका आएगा, आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आप ऐसा करिए, पहले इसको इसमें से एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करिए इसको, और इसमें बाबू क्या करिए, आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ठीक। जब एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन करिएगा तो क्या यहाँ बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यही आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा रूट में है, ठीक है बाबू, माइनस का एक्स, ठीक। ये एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर निकलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो मैं मिटा के इसको एक्स लिख दे रहा हूँ बाहर, ठीक ठीक है दोस्तों, ये रूट के बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर एक्स आ जाएगा। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर था, रूट के जब बाहर निकला तो एक्स हो गया, ठीक। ये एक्स और ये एक्स क्या होगा, दोनों कॉमन कर लिए, ठीक है। दोनों क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक ठीक है दोस्तों। अब क्या करिए, लेट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी पुट कर लीजिए, ठीक। एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी पुट कर लीजिए। अब आपकी लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब आप एक्स इन्फिनिटी भी टेंड करेगा तो टी क्या होगा, वो टी जीरो टेंड करेगा। देखिए यहाँ आप एक्स इन्फिनिटी रख दीजिए, ठीक, यहाँ वन अपॉन टी रख दीजिए, ठीक। और इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे आप इधर टी इधर रख दिए, टी इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो, जीरो ऊपर चला जाएगा इसमें, टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मतलब आप क्या होगा, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी मतलब वन अपॉन टी रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन टी, सॉरी वन प्लस टी हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, टी के बराबर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक। इसको क्या करिए दोस्तों, इसको अंदर ले जा सकते हैं आप इस टी को, ठीक, अपॉन में टी पुट कर दीजिए। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए आप, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो दोनों तरफ क्या होगा, ऊपर नीचे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऊपर डिफरेंशिएट करिएगा दोस्तों तो वन का डिफरेंशिएशन जो होता है आपको बस इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा दोस्तों, टी टेंडिंग टू जीरो, इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। इस पूरे एक्स की तरह आपकी थर्टी वन प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब इसका क्या करिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो वन का जीरो, टी का वन, और इसका टू टी, वन प्लस टू टी, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे भी टी का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करिए आप दोस्तों, आप टी को जीरो पुट कर दीजिए, टी को जीरो पुट करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू, यहाँ से आपका वन अपॉइंट टू आंसर आ जाएगा, ठीक। वन अपॉइंट टू क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेलिंग पासिंग थ्रू द पॉइंट 3.21 परपेंडिकुलर टू द लाइन y = x। जरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जो पॉइंट, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो कि 3.2 से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका स्लोप कितना है बाबू, m की वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी बाबू, 1 है, ठीक है। तो दूसरे m इसे मान ले रहे हैं m1 है, ठीक है। इस वाले को हमने माना M1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी लाइन उसकी, क्योंकि आपको क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका आपको इक्वेशन लिखना है। तो पहले इस लाइन के जो परपेंडिकुलर, उसका स्लोप क्या होगा, M1 इंटू M2 माइनस 1 से हम निकाल लेंगे उस लाइन का स्लोप। M2 क्या होगा, M1 इंटू M2 बराबर होता है माइनस 1, ठीक। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, M1 इंटू M2 बराबर होता है माइनस का 1, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन M1। M1 क्या है दोस्तों, 1, आप पुट करिएगा तो M2 वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, ठीक। M1 की M2 वैल्यू होगी माइनस 1, ठीक है। अब आपको 3.2 से पास कराना है, तो आप पास करा दीजिए, 3.2 से आप पास करा दीजिए y माइनस y1, y1 क्या होगा, 2 इक्वल टू m, m क्या है, m2 है आप लगेगा ना, m2 x माइनस x1, x क्या होगा, x माइनस x1 क्या है, 3, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। M2 वैल्यू पुट कर दिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 3 बाबू, ठीक है। वाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और प्लस का 3 आपका हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 3 to 5, ठीक है। ये आपकी लाइन इक्वेशन आ गई जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो आगे चलते हैं दोस्तों,
देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, तो बाबू कितने सबसेट होंगे एन एलिमेंट्स, जिसमें कोई सेट में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट कुल कितने होंगे, टू की पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट आपको बता रखा है। अगला चलते हैं दोस्तों, कह रहा है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन, आपको ये ऑप्शन फाइंड करना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कह रहा है जेड स्क्वायर का मॉड बराबर होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की, कि जेड स्क्वायर का मॉड लेस देन होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का है ऑप्शन, तो आप इसको किस तरीके से पहले करिए, जेड अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और हमको निकालना है कि पहले मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है बाबू, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करिएगा तो आप मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करिएगा तो ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया बाबू राइट साइड वाला आगे। ठीक, और लेफ्ट साइड वाला निकालते हैं जेड स्क्वायर निकाल करके फिर उसका मॉड लेते हैं, तो जेड स्क्वायर आप इसका निकालिएगा तो जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करिएगा तो आई वैल्यू में मान होती है माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू आई एक्स वाई। ठीक, टू एक्स वाई इंटू आई कर दीजिए आप। ठीक, अब क्या करिए, इसका मॉड लीजिए, अब इसका आपको मॉड लेना है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मॉड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब आप इसे क्या करिए दोस्तों, ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कट के आपका प्लस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये किसका होगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई पावर फोर होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करिएगा तो आपका ये ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसका आप हटा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो निकाला जेड स्क्वायर का मॉड और ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दोनों क्या बराबर है। ठीक है, ये भी है ये भी सेम है आपको। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सही करा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें दोनों दोस्तों डोमेन क्या क्या हो सकता है। ठीक, डोमेन क्या होता है दोस्तों, जहाँ फंक्शन डिफाइन, ठीक है, निगेटिव नंबर अगर इसके अंदर आ गया रूट के अंदर तो वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसके रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, मतलब फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बाबू, फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो हो या जीरो से बड़ा। ठीक है, पॉजिटिव हो या तो जीरो, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या करिए आप, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, आप क्या करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए x और यहाँ यहाँ पे अंदर क्या बचे, x माइनस फोर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, अगर देखिए इसका आपको ग्राफ अगर देखिएगा तो इसको जीरो है और एक फोर, ठीक है, तो ऐसे गुजरेगा ग्राफ। ठीक, ये जीरो है एक फोर है आपका। ठीक है, यहाँ पर कट किया, इस ग्राफ को निगेटिव होना है दोस्तों, तो निगेटिव होने के लिए क्या होगा कि ये जीरो से फोर के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से फोर के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक्स बिलोंग टू जीरो टू फोर। ठीक, एक्स बिलोंग टू और रियल नंबर ये जीरो टू बी वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जीरो और फोर भी आपको लेना है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बोर्ड है बाबू, इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें से वो क्या कर रहा है, तीन पीस उसको काटना है। ठीक है, ठीक है, तीन सिंगल पीस आपको काटना है। कह रहा है द सेकंड लेंथ इज टू बी थ्री सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टर एंड द थर्ड लेंथ क्या है, इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, वो सबसे छोटा कट है। ठीक है, पहला वाला क्या है, सबसे छोटा वाला कट है, तो मान लेते हैं इसका एक्स। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कट कितना है, सेकंड वाला क्या बाबू, सेकंड लेंथ इज टू बी थ्री सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, और इससे क्या है, थ्री सेंटीमीटर ज्यादा है दूसरा कट एक्स प्लस थ्री। ठीक बाबू, और कह रहा है कि तीसरा लेंथ क्या है, कह रहा है तीसरा लेंथ क्या बाबू, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, दो गुना है शॉर्टेस्ट वाले, मतलब पहले वाले के दो गुना। ठीक है, मतलब 2x। ठीक,
ठीक है दोस्तों, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर। अरे व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है शॉर्टेस्ट बोर्ड, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, इज इफ द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। तो कह रहा है दोस्तों जो थर्ड वाला है मतलब 2x, ठीक, वो कह रहा है कि कम से कम इससे 5 बड़ा हो, ठीक है 5 कम से कम 5 बड़ा हो इस वाले सेकेंड वाले से, मतलब एक्स प्लस 3 सेकेंड वाला लेंथ है, इससे क्या हो 5 बड़ा हो, ठीक इससे 5 बड़ा हो, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक कम से कम बड़ा हो, ठीक है तो 2x क्या रहना चाहिए इस वाले से कम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है 5 ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा एक यहाँ से मिल गया, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये पूरी लेंथ अगर हम जो पूरा x प्लस 3 प्लस 2x, ये क्या होगा 91 के बराबर हो गया या उससे छोटा हो सकता है, ठीक। तो मतलब x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप सॉल्व करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका एक्स 2x और 3x और 4x, 4x इधर 4x हो जाएगा 91, 91 में से आप 3 घटा दिए कितना हो जाएगा दोस्तों 88, ठीक 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, ठीक। तो एक्स वैल्यू क्या होगा 22, ठीक है एक्स जो 22 से छोटा 22 होगा या 22 से छोटा होगा। और इस वाले से क्या हो जाएगा ये हमारा, और ये वाले से क्या होगा हमारा इस वाले इनइक्वालिटी से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 8, ठीक। और यहाँ पर आप आ जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब एक्स जो है 8 से बड़ा होगा लेकिन एक्स जो है 22 से छोटा होगा लेकिन किससे बड़ा होगा बाबू 8 से, ठीक। तो ये वाला आपका ऑप्शन ये है, ठीक चलते हैं। पर साइन 24 डिग्री बड़ा है कि कॉस 24 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप जब टेबल पढ़ते हैं, ठीक, तो 0 to 90 में क्या होता है, यहाँ देखिए आप 0 to 90 में क्या है साइन बढ़ रहा है, ठीक है, और 0 to 90 में क्या होता है कि कॉस जो है घटता है, 0 to 90 में बाबू क्या है कॉस घटता है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन 24 बड़ा है कि कॉस 24, तो देखिए दोस्तों ग्राफ जब देखिएगा तो 24 यहाँ पे आपका क्या है 90 कहीं पर है, 24 कहाँ यहाँ होगा आधा इसका क्या होगा 45 होगा, यहाँ 45 होगा और इससे इधर कहीं आपको 24-24 होगा, यहाँ पे कहीं 24-24 होगा, ठीक है 45 का आधा 22.5, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपको 24-24 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यहाँ इस वाले पे देखिए आपका कौन ज्यादा है, साइन का ग्राफ ये है, ये साइन ग्राफ है, ये कॉस ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको देखिए वाई में किसका ज्यादा है कॉस ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस 24 होगा वो ज्यादा होगा, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 इज, तो प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या, इसमें एलिमेंट कितने हैं दोस्तों एन इज इक्वल टू 3, ठीक है एन इज इक्वल टू कितना है 3, आपका क्या होता है फॉर्मल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट का 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है 2 की पावर 3 करिएगा बाबू 8, 8 में से 1 गया बाबू 7, ठीक ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कर रहे दोस्तों सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज दिया है दोस्तों आपको, मतलब ये सीरीज किसमें है जीपी में, ये सीरीज किसमें है जीपी में है, ठीक है। तो हम क्या होगा यहाँ से कॉमन रेशियो निकाल लीजिए होगा आपका दिस अपॉन दिस 5/16 अपॉन -5/4 कर लीजिए, 5/16 अपॉन -5/4, ठीक। इसे आप सॉल्व करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा आपका 5/16 ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा और माइनस यहाँ ये वाला माइनस सामने लग जाएगा, तो यहाँ से 5/5 कट जाएगा और ये 4/4 16, मतलब -1/4 आ जाएगा, ठीक -1/4। आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों -1/4 आ गई, आर की वैल्यू ए कितना है दोस्तों, ठीक है ए दोस्तों कितना है पहला टर्म -5/4 माइनस का 5/4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम ऑफ जीपी क्या होता है एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है बाबू माइनस का 5/4 है और 1 माइनस आर, आर माइनस करिएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा बाबू 5/4, मतलब क्या होगा माइनस का 1, ठीक है माइनस का 1। अब चलते हैं दोस्तों ए वाला क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर, ठीक। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बाइनोमियल एक्सपेंशन क्वेश्चन है दोस्तों, C1/C0 + 2C2/C1 + 3C3/C2 +……NCn/Cn-1। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों NCr/NCr-1, ठीक है ये इस तरीके का टाइप, ये यहाँ कुछ नहीं दिया तो यानी एन है एन सी वन और यहाँ पे क्या एन सी आर, आर की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या आर आर माइनस 1, ठीक है यहाँ आर की वैल्यू 2 है यहाँ आर माइनस 1, मतलब 2 में से 1 घटाइए 1 आ गया, यहाँ आर की वैल्यू 3, 3 में से 1 घटाइए 2, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके का है कि NCr/NCr-1, इसका क्या होता है दोस्तों किसके बराबर होता है n-r+1/r, ठीक। तो यहाँ से आपका पहला जब पहला निकाल लीजिए जब C1/C0 हो जाए, मतलब R की वैल्यू जब 1 होगी, जब R की वैल्यू 1 होगी दोस्तों तो कितना आ जाएगा
एन आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म आपका एन आ गया, ठीक। प्लस जब आर की वैल्यू दोस्तों दूसरे वाले में क्या है, आर की वैल्यू टू का, ठीक है। तो दूसरे वाले में टू से मल्टीप्लाई भी किया गया, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई भी किया गया, ठीक है। टू इंटू अब एन, आर की वैल्यू जिसमें टू रखी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस का वन, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू टू है तो आर, तो आपका क्या हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा दोस्तों सिर्फ एन माइनस वन, ठीक है। ठीक, दूसरा टर्म हमारा क्या होगा एन माइनस वन, ठीक है। प्लस आर की वैल्यू अगली बार क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू आपको थ्री रखना है तो माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा, माइनस टू, एन माइनस टू, ठीक। और नीचे आर की वैल्यू थ्री रखिएगा और ये थ्री से मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों चलता रहेगा एन सी एन डॉट एन, सी एन अपॉन एन माइनस वन, मतलब आर की वैल्यू कितनी रखनी है, एक बार एन रखनी है, आर की वैल्यू जब इसमें एन रखिएगा तो ये कट जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एन आएगा, और एन से मल्टीप्लाई भी किया गया है, ठीक है। तो एन एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म कितना आ गया आपका वन, ठीक। अब ये आपका पूरा हमने सीरीज को ओपन कर लिया है, अब क्या करिए इसका सम निकाल लीजिए, क्योंकि ये केपी में देख रहे हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन आपका घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, सम वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू इंटू ए मतलब टू इंटू एन प्लस एन माइनस वन इंटू बी कितना बाबू माइनस वन, इसे सॉल्व करिए आपको कितना आ जाएगा एन बाई टू, टू एन माइनस एन कितना हो जाएगा एन, और माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।